अब सिरसा की जहां अनाज मंडी में कांग्रेस की जन संदेश रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने रैली को संबोधित किया, कई मुद्दों पर हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश भी की। सिरसा की अनाज मंडी में कांग्रेस की जन संदेश रैली का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा ने रैली को संबोधित किया। कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर भगवान श्री राम के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी, कृषि जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को भगवान श्री राम का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। भगवान राम लोगों के दिलों में पहले भी वास करते थे और आज भी करते हैं। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राम भक्तों को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। रैली में अपने संबोधन में कुमारी शैलजा ने आंकड़ों और तथ्यों के जरिए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों के स्नेह से वो अभिभूत हैं। यहाँ के लोगों से उनका पीढ़ियों का रिश्ता है। दादा पिता के जमाने से लोग उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने सिरसा से 1988 में पहला चुनाव लड़ा तो उन्हें तो भाषण देने भी नहीं आता था। कुमारी शैलजा ने कहा कि वो आज सियासत में जिस मुकाम पर पहुंची हैं, उसकी नींव सिरसा की आवाम ने ही रखी थी। आज जरूरत है न्याय की। मेरे सरपंच भाइयों को, बहनों को, जो अपने अधिकार के लिए अगर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें जरूर मार दिया जाता है। आज जरूरत है न्याय की। कर्मचारियों को जिनके साथ वो अपनी बात अगर लेकर बैठते हैं तो उनको भी लाभ। आज जरूरत है मेरे किसान भाइयों को जिनके साथ धोखा किया गया, जिनको कहा कि MSP का कानून बनेगा लेकिन आज तक दुष्कृति का ही पता चला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सिरसा के लोगों ने विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा। किसान उत्पीड़न और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अनदेखी का शिकार हैं। पिछले चुनाव के समय दुष्यंत चौटाला ने मनोहर लाल खट्टर को यमुना पार भेजने का नारा दिया और खट्टर ने पूरे परिवार को हथकड़ी लगाने का दावा किया। जनता ने बीजेपी को जनमत नहीं दिया बल्कि नाकार दिया और बीजेपी JJP की एक सरकार गैर संवैधानिक है। सत्ता की मलाई लूटने के लिए एक बेमेल समझौता जनता की वोट के खिलाफ हुआ और उस बेमेल समझौते का परिणाम, उसका परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी और जनता की सरकार जो संविधान के अनुरूप नहीं बनी। ये एक नाजायज सरकार है क्योंकि आपकी वोट से नहीं। और इस सरकार ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न 5 वर्गों का किया, सबसे पहले किसान। वही कांग्रेस की संदेश रैली में समर्थकों ने आवाज उठाई कि कुमारी शैलजा ही मुख्यमंत्री बने। सभी को यही संदेशा देना चाहूंगी कि एक एक व्यक्ति, हर जन, हर घर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में ला करके हमारे हरियाणा में हमारी बहन कुमारी शैलजा जी को आने वाला हरियाणा का CM बनाए। तो आप बताइए, हाथ खड़े कीजिए, कौन कौन कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा जी के समर्थन में है। धन्यवाद आप सभी का, समय की कीमत को देखते हुए। बहरा सिरसा की अनाज मंडी में संदेश रैली आयोजित की गई। रैली को पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संबोधित किया और हरियाणा सरकार पर निशाना भी साधा। टोटल TV के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।